Ladies and gentlemen, boys and girls, 2 minutes 41 seconds, sir. Yes. लड़के ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. वो कहते ना अभी भी एक आधा स्टेप और जंप कर चुका है, आधा स्टेप दूर है फिनाले से. Yes. What's the feeling? वेरी नाइस यार, मेरे को लगता है इसका पैर अगर ट्विस्ट नहीं होता है और जल्दी होता है ना, इसका पैर हो रखा है और जो पत्थर है भागना इजी नहीं होता और वो भी स्लोप वाले में, ठीक है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसने मतलब 2 minutes 41 seconds में कंप्लीट किया और अभी ये इस पोजीशन में है कि आप सब कुछ इसी के हाथ में है, ठीक है. क्या परफॉर्म करोगे तो और आगे चले जाओगे और सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो जीते, ठीक है ना. और आई एम हैप्पी वाशु ने बहुत जल्दी किया, वो अपने गैंग का ही लड़का है, जो दूसरे गैंग में है वो एक ही है था. और वो ऐसे भी हमारे लिए खेलता है, वो वोट आउट में भी हमारे लिए खेलता है और वहाँ जाने से पहले भी मेरे साथ खेलता है, मेरी आंखों में से बात होती है. पर मैं गौतम की तरह बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं प्रेशर नहीं डालता उसके ऊपर, मैं ये बोल दूँ मेरा ही है मेरा ही है, तो वो कभी कभी कंटेस्टेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है. तो मैं बोलता हूँ कि फ्रीली खेल, हम हैं तेरे लिए. सो इतना ही बहुत होता है. आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा किया. श्वेत तू बता यार, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, इस लड़के का पैर इंजर्ड आज नहीं है, इस लड़का का पैर इंजर्ड पिछले दो हफ्तों से भी नहीं, मुझे बता, when you started the task, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तू थोड़ा पीछे हो गया था हिमांशु टू दिल्ली. क्या पहले स्टेप रखा तो वहाँ पत्थर था, वो उसी के ऊपर रखा मैंने और वहीं मुड़ गया. उसके बाद आई वॉज लाइक तू गया, फिर मैंने सोचा चल छोड़ देख लेंगे, और वो दो तीन बार फिर मुड़ा, मैंने कहा तब मैं देख भी नहीं रहा था कि हिमांशु कहाँ है. कहते हैं ना विदाउट पेन देयर इज नो ग्लोरी, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि टास्क ना जब स्टेजेस में होता है ना तो जो आखिरी स्टेज होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. True, sir, true. ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो सबसे पहले जा रहे होते हैं वो आखिरी स्टेज में फकअप कर देते हैं और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हिमांशु इतने से इतना आगे था, वो आराम से जीत जाता, आराम से इजिली, ठीक है. उसने वो ईंट छोड़ दी और उसने वो लगाने में गलती कर दी. अगर वो चार लगा भी देता और ईंट छूट भी गई थी फटाफट भाग कर आकर लगा सकता था वो, जस्ट कि वो अवेयरनेस वो भूल गई क्योंकि मैं जाने से पहले दोनों को बोला है पाँचों ईंट लेके जाना, पाँचों ईंट लेके जाना, पाँच तत्व में पाँचों ईंट लेके जाना. बट हो जाता है ऐसा, दिन होता है इंसान का, ठीक है. वो आज का दिन नहीं था और वो चला गया और ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही अच्छा लड़का है और अच्छा इंसान. एंड आई थिंक अपना एक मार्क छोड़ के गए. शिवित, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिमांशु? यार आई गेस मेरे को पहले दिन जब वो मिला था तो वो गौतम सर की गैंग में था, तो उसने उस दिन भी मेरे से आके वो बात की थी कि भाई सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया तेरे को, क्योंकि हमारी बात चलती थी तुझे वोट आउट करना तुझे वोट आउट, तो मैं डेंजर में था और उसने जैसे बोला था कि कुछ समथिंग लाइक तू तो जा रहा है घर, तो देन ही रियलाइज कि जब वो डेंजर में आया तो उसने क्या बोला भाई आई रियलाइज कि कितना खराब लगता है मैंने गलत बोल दिया, देन आई रियलाइज कि नहीं भाई बंदा रियल है. उसने कैमरे पे नहीं बोला, उसने कहा मैं कैमरे पे नहीं बोल रहा भाई, मैं कैमरा जब साइड हो जाएगा तब बोलूँगा. तब उसने मुझे आके बोला कि भाई आई फेल्ट कि बहुत बुरा लगता है जब कोई डेंजर में हो और मैं ऐसा बोला से बात करेंगे. उसने बोला कि सर मैं हम अलग खेलना चाहते हैं पर गौतम सर खेलने नहीं देते. वो इकलौता बंदा था जो अलायंस के अलग जाना था और मैंने कहा था कोई बात नहीं यार तुम अपनी गेम खेलो, अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता तुम गैंगलीर के अगेंस्ट जाओ, पर एक गैंगलीर को समझना चाहिए कि वो तुम्हें क्यों ऐसा खेलने को मजबूर कर रहा है. पर जो मेरे गैंग में आया तो मैं बहुत खुश था कि मैंने कहा था कि चल ठीक है अब मैं तुम्हें कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें फ्रीली छोड़ूंगा जैसे तुम्हें फील करता है, क्योंकि रूडीज की जर्नी हमारी नहीं है बच्चों की है यार, ठीक है. और अगर हम इनको बोलने का मौका नहीं देंगे तो ये घर जाके पछताएंगे हम बोल क्यों नहीं पाए, ठीक है. और ये मौका ऐसा है कि तुम अपना मार्क बना चुके हो, अब तो बच्चों की बारी है बनाने की यार, अगर तुम उनको रोक दोगे तो फिर तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो. तो इसलिए जब वो आया तो मैं बहुत खुश था कि चलो कोई आया, अब मैं बोलूँगा तुझे जो बोलना है बोल, तुझे जो करना है कर, बस गैंग के साथ. जब सीज़न की शुरुआत हुई थी तो मैं इनका जब इंटरव्यू ले रहा था तो मैं इनको एक बात कही थी कि प्रिंस सर के इसमें ना गैंग नहीं बनता, प्रिंस सर के इसमें परिवार बनता है. और वही आज ये कमा के जा रहे हैं, हिमांशु कमा के जा रहे हैं, बट आशिका कमा के जा रही है, हर बंदा कमा के जा रहा है. एंड आई थिंक यू हैव श्योरली लेफ्ट मार्क सर. मेरे को रेवोल्यूशन आता था, मैंने कहा उस टाइम थोड़ा हो गया था, वो वी हैव कवर्ड अप एंड लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू श्वेत. सुपर परफॉर्मेंस मेरे भाई, देखते हैं कल क्या होता है, ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है. यू गाइस, मैंने तो सोच लिया था जब दोनों अलायंस में खेल रहे थे कि इतना टारगेट कर रहे थे कि हम ये चाने नहीं देंगे, क्योंकि जब भी हम जीतते भी थे तो इम्यूनिटी फुल नहीं होती थी, तो हमारे गैंग से फिर भी कोई ना कोई जाता था, है ना. तो फिर भी जब टेबल टर्न्स हुए उसके बाद हमने टास्क जीते शुरू किए, तो 8 टास्क जीते हमने, तो गेम बदल दी थी मैंने, है ना. और काफ़ी तो, बार आपके अगेंस्ट सारे ऑड्स थे. यस, काफ़ी बार हमेशा. और जब भी फर्स्ट भेजना है प्रिंस के गैंग को भेज दो, ठीक है, और चैलेंज करना है प्रिंस के गैंग को चैलेंज कर दो, क्योंकि उनको पता था कि वो हार उनके में से कोई गैंग हारेगा भी तभी वोट आउट में सेफ है बिकॉज नंबर्स में वो आ गए हैं. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन सबको काट के हम आगे आए. अब तो चलो उन्होंने आकर बोला कि हम दोस्ती करते हैं, पर वो दोस्ती के लिए मैंने हम दोस्ती कर चुके हैं, पर वो एक मन में हमेशा रहता है बवाल कि जब पूरा सीज़न तुमने मेरे साथ ऐसा किया, कॉर्नर फील कराया मेरे कंटेस्टेंट्स को मुझे, और तुमने साथ नहीं दिया, मेरे स्ट्रॉन्ग को निकालते गए, तो अब मुझे करनी नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं फिर भी बोल देता हूँ कि चल ठीक है यार जो हुआ वो सही है, दैट्स प्रिंस और मिट्टी पाओ, ठीक है. अब अच्छा रूडी जीतना चाहिए क्योंकि मेरे कभी भी कंपटीशन कोई और नहीं है, मेरे कंपटीशन है रूडी. क्या बात है.